हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत का नाश्ता बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसी के अंदर मैं एक कप ये समा के चावल डाल रही हूँ। इसे मोरधन मोरिया भगत के नाम से जाना जाता है। एक थोड़ा सा डार्क कलर का था जो ऑर्गेनिक रहता है, और ये व्हाइट कलर का है जो आपको मिल जाए उसका यूज कर सकते हैं। ये वैसे इजीली मिल जाता है, उसको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसे हम अच्छे से पीस कर बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से हमारा आटा जैसा पीस के तैयार हो गया। जिस तरह सूजी रहती है उससे थोड़ा सा ये बारीक रहता है। देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। बस हमें इसी तरह से पीसना है इसे। मैंने गैस पे ये नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। घी गर्म हो चुका है, इसी के अंदर मैं आधा छोटे चम्मच जीरा डाल रही हूँ। एक से डेढ़ चम्मच मैंने ये तिल्ली ली है। एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, दो से ढाई चम्मच करीब मैंने मूंगफली के दाने लिए, थोड़े से मैंने अंदाज से लिए। आप चाहे तो डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारे जो मूंगफली के दाने मैंने लिए हैं, कच्चे लिए हैं, थोड़े से वो भून जाएंगे, थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे करना, गैस को आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। देखिए, सारी चीजें हमारी अच्छे से भून गई है। मूंगफली के दानों को भी हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इस तरह से दाने जो हमारे चटकने लग गए हैं। बस हमें इतना ही करना है, इसे बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है। इसी के अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ आधा चम्मच। इसे भी इसके साथ में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्ची का कच्चापन भी जो है हमारा दूर हो जाएगा। जिस कप से हमने नाप के समा के चावल लिए थे उसी कप से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। एक कप पानी डाला है अभी, ये एक कप और। एक कप के अंदर दो कप आपको पानी चाहिए। गैस को मैं तेज कर रही हूँ ताकि इसमें जल्दी से उबाली आ जाए। देखिए, पानी में इस तरह से अच्छे से उबाली आ चुकी है। गैस को मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। इसी के अंदर मैं व्रत वाला सेंधा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्टी के हिसाब से डाल लीजिए। लगभग मैंने इसमें एक चम्मच नमक का यूज करा है। जो हमने समा के चावल को पीस के तैयार करा था इसे आप इसमें डालिए। डालने के बाद इसे आपको तुरंत चलाना है, काफी जल्दी फूलने लग जाता है, तुरंत ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। चम्मच से इस तरह से दबाते हुए जो भी इसमें लम्स बन जाए उसे आप तुरंत मिटा दीजिए। इस तरह से हाथों को तेज तेज चलाएंगे, देखिए इसके जो लम्स है वो तुरंत हमारे खत्म हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से टाइट होने लग जाता है, इसलिए पानी हमें जो है बिल्कुल नाप से ही डालना है। इस चीज का आपको बनाते समय ध्यान रखना है। काफी अच्छे से ये मिक्स भी हो गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लम्स नहीं है। इसे मैं बहुत ज़्यादा देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इस तरह से पैन को ये छोड़ने लगे, समझ लीजिए हमारा हो गया है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। कढ़ाई को मैंने गैस पे से नीचे उतार लिया है। मैंने ये मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है। इसे इस तरह से हम ग्रेट करके इसके अंदर डालते हैं। इसे हमें गर्म गर्म में ही डालना है। ठंडा करने के बाद इसे अगर आप मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मैंने अभी एक आलू डाला है, एक और मैंने आलू लिया है। दो आलू इसके अंदर हम यूज करेंगे। अगर आपको कम पसंद है आलू तो आप इसमें एक आलू भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा बड़े साइज का आलू डालिए, एकदम छोटा आलू मत डालिए। तुरंत हमारा ये अच्छे से ये, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो। इसे भी हम इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपको अच्छे से करना है ताकि आलू और समा के चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, काफी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी के अंदर मैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ। धनिया पत्ती डालने के बाद इसे आप देखिए, अभी हल्का हल्का गर्म है इसलिए मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ। इसे हम ज्यादा देर तक रोकना नहीं है, इसे हम तुरंत सेट होने के लिए रखेंगे। मैंने केक का टेन लिया है,
आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, रोटी का डिब्बा रहता है या फिर मसाले का डिब्बा रहता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। इसे मैं इस तरह से इसमें पूरा डाल दूंगी, इसे हम अच्छे से हाथों से दबाकर करेंगे तो काफी अच्छे से दब भी जाएगा। इसे बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। मैंने टीन में लेकिन थोड़ा सा घी लगाकर उसे ग्रेस कर लिया था। इस तरह से हम इसे दबाकर पूरा अच्छे से सेट कर देंगे। मैंने चम्मच में बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है, इसके ऊपर लगाकर इसे आप अच्छे से इस तरह से कर देंगे, इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और काफी अच्छे से ये सेट भी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल भी हमारे चम्मच में चिपकेगा नहीं। आपको जितना मोटा जितना पतला पसंद है उस हिसाब से इसे आप सेट कर सकते हैं। इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना जरूरी है। बस इस तरह से इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जिसे ठंडा करते हो लगभग 15 से 20 मिनट का समय चुका, काफी अच्छे से ठंडा हो चुका। इस तरह दबाने में आपको थोड़ा सा टाइट भी लगेगा, मतलब ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। मैं एक प्लेट ले रही हूँ, इस तरह से इसको टर्न कर दूंगी ताकि हमारा आसानी से निकल जाएगा। कितना अच्छा ये हमारा सेट हो गया। जिस तरह से आप इसके पीस काटना चाहते हैं उस हिसाब से इसके आप पीसेस काट सकते हैं। मैं इसे से पहले बीच में सेंटर में से इसे कट कर रही हूँ। इस तरह से आपके चाकू में अगर थोड़ा सा भी लग जाता है इसे आप तुरंत क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही इसके पीस काटिए। हर बार थोड़ा सा चाकू में आपके लग कर आएगा। इस तरह से मैं इसका सैंडविच जिस तरह से रहता है उसी तरह से मैं इसके पीस काट रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बड़े पीस करना चाहते हैं कि इसके छोटे, जैसे आपकी इच्छा उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। इस तरह से आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितने बढ़िया हमारे इसके पीस कट गए। देखिए कितने अच्छे हमारे इसके पीस कट गए। मैंने गैस पे घी गरम करने के लिए रखा है, आप इसे घी में ही बनाइए जो काफी बढ़िया लगेगा, इसका टेस्ट जो है काफी अच्छा आता है। इस तरह से घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस को बिल्कुल मैं लो और मीडियम कर रही हूँ। तेज गैस में इसे हमें बिल्कुल भी नहीं सेकना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से कम तेल कम घी के अंदर इसे आप सेक सकते हैं। इसे हमें तलना नहीं है इसलिए मैंने बिल्कुल 2 बड़े चम्मच घी का ही इसमें यूज करा है। मुझे इसे एक साइड से करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है। इसे एक बार हम पलट लेते हैं। इतना बढ़िया इसका कलर आ गया है। इस तरह से इसे हमें लो फ्लेम पे ही करना है, ज्यादा तेज गैस में अगर इसे हम करेंगे तो ये हमारे पूरे जल जाएंगे, इसलिए गैस का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए काफी अच्छे से ही क्रिस्पी हो चुका है। इसे मैंने दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन कलर कर लिया है। देखिए दोनों साइड से आप देख सकते हैं कलर हमारा कितना बढ़िया है। इसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए बिल्कुल मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे खुद देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी बने। कलर भी आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया है। व्रत के लिए काफी अच्छी और टेस्टी रेसिपी बिल्कुल कम सामान में हमारा ये बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।